जैसे ही ये ठंड आती है ना, इस चटोरी जीव को इतना चटर पटर खाने का मन करता है, तो चलो कुछ चटपटा सा बना लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे पनीर मोमो, जिसके लिए यहाँ पर 2 कप मैदा ले लेंगे। इसमें आधा स्पून नमक ऐड करेंगे, आधा स्पून ऑयल ऐड करेंगे और हल्का हल्का सा पानी डालकर इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। याद रखिए, हमें पानी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, वरना ये पतला हो जाएगा। फिर इसका अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। एंड गाइस, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से इसको लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। फिर यहाँ पर हम कुछ सब्जियाँ कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये मीशो से चॉपर मंगाया है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप लोग भी मंगा लीजिएगा। इससे बहुत हेल्प मिलती है और इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चॉप हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर गाजर को डाल के अच्छे से चॉप कर लिया है। देखिए ये कितनी अच्छे से चॉप हो गई है, एकदम बारीक बारीक से चॉप कर लिया है मैंने इसको। फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ शिमला मिर्च ली है और इसको भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये बहुत जल्दी से चॉप हो जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लेता है और बहुत जल्दी सारा काम भी हो जाता है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर मंगा लीजिएगा, आप लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। फिर यहाँ पर पत्ता गोभी ले लेंगे और इसको भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारी सब्जियों को अच्छे से चॉप किया है, फिर सभी को हम प्लेट में लगा लेंगे। तो मैंने सारी सब्जियाँ यहाँ पर प्लेट में लगा ली हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर। पनीर को अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे। तो मैंने पनीर को भी अच्छे से मैश कर लिया है। फिर यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे, जिसमें ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना। उसके बाद इसमें सारी सब्जियों को ऐड करना और लो फ्लेम पे इनको हल्का हल्का सा भून लेना। हमें इनको ज़्यादा नहीं कुक करना है, बस हल्का हल्का सा क्रंची होने तक ही हमें इसको कुक कर लेना है। इसको चलाते हुए हमें भूनना है, ताकि नीचे लगे नहीं और अच्छे से भून जाए। इसमें हम पनीर ऐड कर लेंगे और पनीर को भी बाकी सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे कि आधा स्पून नमक ऐड करेंगे, आधा स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मसाले आप अपने हिसाब से ही ऐड कर लीजिएगा। आधा स्पून मैंने इसमें पाव भाजी मसाला ऐड किया है, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आप लोग को अगर पसंद है तभी ऐड कीजिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो मोमो के लिए स्टफिंग अच्छे से तैयार हो चुकी है, इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पर अपना डो ले लेंगे, जिसको हमने रेस्ट पर रखा था। इसमें से हमें छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेनी है। फिर हम इनको हल्का हल्का सा बेल लेंगे। हमें लोइयों को ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, ना ज़्यादा पतला बेलना है, एकदम मीडियम साइज़ का बेलेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ये लोई बेल ली है। फिर हम इसमें अपनी स्टफिंग लगाएंगे। स्टफिंग की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम रख सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर मीडियम ही ली है। फिर इसको अच्छे से हम मोमो वाला शेप दे देंगे। आप लोग ध्यान से देखो मैं इसको किस तरीके से बना रही हूँ, सेम आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिएगा। बहुत इजी बन जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती है। तो इसको अच्छे से हम फोल्ड करते जाएंगे, इससे बहुत अच्छे से मोमो वाला शेप आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से एक मोमो को बना लिया है। इसी तरीके से हमें बाकी के मोमो भी तैयार कर लेने हैं। तो देखो मैंने सभी को अच्छे से इसी तरीके से बना लिया है, आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करना, बहुत इजी बन जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक बर्तन में पहले से ही पानी को अच्छे से उबाल लिया था। इसमें हम मोमो रख लेंगे और हम इनको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए हमारे मोमो एकदम स्टीम हो चुके हैं, ये बहुत अच्छे से बन गए हैं। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, फिर हम इसको मोमो की चटनी के साथ एंजॉय कर लेंगे। तो एंजॉय करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।